नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं आपके मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी में, जहां हम आलू के भावों को विस्तार से बताते हैं और बताते हैं आपको क्या होने वाला है मंडी में और भविष्य में क्या रहने वाले हैं आलू के भाव। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन है उसे ऑल पर सेलेक्ट कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। देखिए किसान भाइयों, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो भाई लाइक तो बनता है, आप लाइक बहुत कम करते हैं। वीडियो को परस्पर शेयर किया कीजिए जिससे कि आपके दामों में और ज़्यादा इंक्रीजेशन हो, व्यापारियों पे हम दबाव बना सकें। तो किसान भाइयों, बिगर समय गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो और जानते हैं उत्तर प्रदेश और देश भर की मंडियों का हाल। आज 14 तारीख है, 14 अगस्त 2021। तो लेट्स स्टार्ट और देखते हैं क्या रहे आज ऑल इंडिया और ऑल यूपी में आलू के भाव। तो किसान भाइयों, शुरुआत कर लेते हैं चिप्सोना से। तो चिप्सोना मुजफ्फरनगर की मंडी में 620 रुपये प्रति पैकेट बिका है, जाफरगंज की मंडी में 625 रुपये प्रति पैकेट, मथुरा की मंडी में 612 रुपये पैकेट, मुरादाबाद की मंडी में 612 रुपये पैकेट, बिलासपुर की मंडी में 612 रुपये पैकेट, फरुखाबाद में 610, आगरा में 610 से 640, सहारनपुर में 612 से 630, कानपुर की मंडी में 590 से 620, बादशाह आलू जो है वाराणसी में 600 रुपये से लेकर 650 रुपये प्रति पैकेट बिका है। किसान भाइयों, ये थे चिप्सोना के रेट। अब बात कर लेते हैं 3797 की। तो 3797 और विभिन्न नस्लें हैं, खिजपोखराज है, ज्योति है और इसी में इंक्लूडेड है। अगर आपका मंडी इसी के अंतर्गत आती है तो आप अपने मंडी का अपनी वैरायटी से वो कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, शुरुआत कर लेते हैं गोंडा से। गोंडा में 575 रुपये से लेकर 610 रुपये प्रति पैकेट, हापुड़ में 560 से लेकर 590, शामली की मंडी में 562 रुपये से लेकर 580 रुपये, संडीला की मंडी में बादशाह आलू है 530 रुपये से लेकर 600 रुपये तक, पीलीभीत में 525 से 550, वजीरगंज में 522 रुपये पैकेट, अछलदा में 500 रुपये पैकेट। अगर बात करें कन्नौज में तो 590 से 625, मेरठ में 570 से 600, मुजफ्फरनगर में 560 से 600, मेरठ में 512 से 550, पुखराया की मंडी में 530 से लेकर 550, मुजफ्फरनगर की मंडी में 512 से लेकर 535, अलीगढ़ की मंडी में 507 रुपये से लेकर 527 रुपये तक, चंदौसी की मंडी में 535 से लेकर 595 रुपये तक, सियाना बुलंदशहर की मंडी में 530 से लेकर 580 रुपये तक, एटा में 510 रुपये से लेकर 540 रुपये, इटावा में 512 से लेकर 560 रुपये, अतरौली अलीगढ़ में 575 से लेकर 600, मुस्करा की मंडी में 545 से लेकर 580, लालगंज की मंडी में 525 से लेकर 550, शाहगंज की मंडी में 530 रुपये से लेकर 580 रुपये, रायबरेली की मंडी में 530 रुपये से लेकर 560 रुपये तक, जसरा की मंडी में 500 रुपये से लेकर 520, बाराबंकी की मंडी में, आज बाराबंकी की मंडी काफ़ी उछाल पे है, 512 रुपये प्रति पैकेट से लेकर 523 रुपये प्रति पैकेट तक यहां आलू बिका है। अब किसान भाइयों, ये थे मंडी रेट्स और अब देख लेते हैं जसवंत नगर के मंडी रेट से लेकर कोल्ड स्टोरेज तक के रेट। तो किसान भाइयों, जसवंत नगर में मंडी का रेट 522 रुपये से लेकर 535 रुपये तक, कोल्ड स्टोरेजों में 545, फिरोजाबाद के कोल्ड स्टोरेज की बात करें तो 595 रुपये तक, हाथरस के कोल्ड स्टोरेज की बात करें तो 597 तक, फिसकोबाद में 580 रुपये तक, टूंडला में 585 रुपये, आगरा में 590 रुपये। ये थे कोल्ड स्टोरेज के भाव। अगर बात कर लेते हैं सादाबाद की, अगर आप सादाबाद की बात करते हैं तो कोल्ड स्टोरेज में श्री गंगे कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड से 591 आपका आलू बिका है, और ओम कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड से 570, सतीश चंद्र के कोल्ड स्टोरेज में थे, सतीश चंद्र रमेश चंद्र है, इनके कोल्ड स्टोरेज में 560 रुपये, 550 रुपये आपका ये कोल्ड स्टोरेज है आपका शुक्ला कोल्ड स्टोरेज, सादाबाद आइस एंड कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ से ये आलू आपका बिका है। कन्हैया लाल कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड से 540 रुपये, रेशमी देवी कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड से 545 रुपये प्रति पैकेट, और किसान भाइयों अगर बात करें विद्या देवी कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड से 565 रुपये अच्छा आलू है, अग्रवाल कोल्ड स्टोरेज हाथरस रोड से यहाँ पर आलू बिका है आपका 535 से लेकर 540 रुपये तक आपका आलू बिका है, सेवक कोल्ड स्टोरेज में 560 रुपये तक। अगर बात करें इंडिया कोल्ड स्टोरेज का तो इंडिया कोल्ड स्टोरेज में 525 रुपये तक बिका है। ये थे सादाबाद के विभिन्न कोल्ड स्टोरेज के रेट। अब बात कर लेते हैं मंडी रेट्स पे।
आगरा की मंडी में 512 रुपये से लेकर 530 रुपये तक, कन्नौज में 510 से लेकर 550, खैर की मंडी में 520 से लेकर 530, लखनऊ की मंडी में 515 से लेकर 540, मैनपुरी की मंडी में 510 से लेकर 560, सहारनपुर की मंडी में 512 से लेकर 550, जौनपुर की मंडी में 545 से लेकर 585, बांगरबाऊ की मंडी में 532 से लेकर 560, जंगीपुरा की मंडी में 530 से 550, अमरोहा की मंडी में कुफरी मेगा होता है अमरोहा में 530 से लेकर 550, विशालपुर में 525, मोरनीपुर में 510, कानपुर में 500 रुपये से लेकर 525, बदायूं में 520 से लेकर 550, चंदौसी में 575 रुपये, मैनपुरी की बात करें तो 512 रुपये, मथुरा की बात करें तो 500 से 560, औरैया में 510, फरुखाबाद में 500 रुपये से लेकर 530 रुपये तक, सिरसागंज में 500 रुपये से लेकर 535 रुपये तक, सादाबाद की बात करें तो मंडियों में आज जो सादाबाद में बिका है वो 540 रुपये प्रति पैकेट बिका है। सादाबाद में एक नवीन मंडी है आगरा रोड कुरसंडा मोड़ पर, तो 540 रुपये प्रति पैकेट यहाँ आलू बिका है। नोएडा की बात करें तो 550 रुपये प्रति पैकेट से लेकर 580 रुपये, राठ हमीरपुर 560 से लेकर 600 रुपये, गोरखपुर 565 से लेकर 610 रुपये, मुरादाबाद में 540 से 600 रुपये प्रति पैकेट, बलिया में 540 से 600 रुपये, नवाबगंज रॉबर्ट्सगंज 532 से लेकर 40 रुपये, माधोगंज में 530 से 550, हरदोई में 530 से लेकर 550, रसड़ा में 515, बलरामपुर में 500, सिरसा में 525, हसनपुर में 500। तो किसान भाइयों ये थे उत्तर प्रदेश के विभिन्न मंडियों के रेट्स। और आपको एक बात बता दूं, आज कोई भी मंडी 450 यानी 500 रुपये से नीचे नहीं रही है। सारी मंडियाँ उछाल पे हैं, 500 रुपये से ऊपर ही हैं, कोई 570 तक पहुँच गई है, कोई 560 रुपये तक पहुँच गई है। और अगर आप बात करें साउथ की मंडियों की, तो साउथ की मंडियां काफ़ी उछाल पे हैं। और मैं आपको बता दूं जिस तरीके से पश्चिम बंगाल जो पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात हो रही है और आपका यहां पे बरसात हो रही है साउथ में, कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तो इससे आलू के दामों पे फर्क पड़ रहा है। और दूसरा फर्क पड़ रहा है आपका एक्सपोर्ट पे, और एक्सपोर्ट जो है अब तक तकरीबन अपना आलू जो है 20% यानी कुल उत्पादन का 20% आलू जो है अब तक एक्सपोर्ट किया जा चुका है, और लगभग 20% ही और एक्सपोर्ट किया जाएगा जैसा कि मैंने आपको बताया था। और एक भाई पूछ रहे थे नेपाल की, तो नेपाल की एक्सपोर्ट वैल्यू जो है अब इस टाइम पे गुल्लक साइज का आलू जा रहा है उत्तर प्रदेश से, और कहीं से भी नहीं जा रहा है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार का आलू सीधा आपका आंध्र प्रदेश में खप रहा है और झारखंड बिहार साला उधर ही जा रहा है। और अगर उत्तर प्रदेश के आलू की बात करें तो उत्तर प्रदेश का आलू जो है सबसे ज़्यादा आपका बबनपल्ली मंडी में, वाशी की मंडी में, यशवंतपुरा की मंडी में, पांडरा की मंडी में, बेंदीपल्ली मैसूर की मंडी में, महबूब नगर की मंडी में यहाँ पर जा रहा है। और क्योंकि वहाँ पर जैसे कि वाशी की मंडी है मुंबई में, एपीएमसी है, तो ये कुल मिलाकर वहाँ दक्षिण है, दक्षिण भारत में रेड अलर्ट है, बारिश वहाँ पर कहर डाल रही है, आप रोजाना टीवी टेलीविज़न में सुन रहे हैं। तो इससे जो है क्योंकि हरी सब्जियाँ बर्बाद हो चुकी हैं, तो आदमी क्या है कि उस पर आलू पर ज़्यादा डिपेंडेबल है। और दूसरी मैं आपको बता दूं एक और कारण आलू बढ़ने का, चेन्नई में केरल में डेल्टा वेरियंट आया है कोरोना का, उसकी वजह से केरला में लॉकडाउन लगा दिया गया है, और लॉकडाउन लगने के बाद में आलू की कीमतों में बेहताशा वृद्धि देखने को मिल रही है। यहाँ 4,000 रुपये प्रति पैकेट पर आलू के दाम पहुँच गए हैं 37-97 यानी उत्तर प्रदेश के आलू का। तो ऐसे में आप तनिक भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका आलू अच्छा है तो आपका आलू है ना 1,000 रुपये ही बिकेगा, ये गारंटी के साथ हम कह रहे हैं। और व्यापारियों पर दबाव बना के रखिए, वीडियो परस्पर हर व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में और पर्सनल नंबर पर आप अपने किसानों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर किया कीजिए, ताकि व्यापारियों को मुंह उठाने का मौका ना मिल ले पाए। और जिस तरीके से हम वर्क कर रहे हैं आप भी उस तरीके से वर्क कीजिए, और देखना आपकी और हमारी मेहनत सार्थक होगी। हम आपको 800 का कह रहे हैं, 800 से पार भी आलू जाएगा, इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा और आपको परस्पर वीडियो शेयर करनी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो सब ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में लोगों के पास शेयर करना। धन्यवाद किसान साथियों, कैसा लगा, आपका दिन शुभ।